वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम डाकू लॉस सैंटोस पहुंचता है और वहां के सबसे बड़े माफिया बॉस समुराई को मार देता है। इस वजह से वो फेमस हो जाता है और सारे माफिया मान जाते हैं आदम डाकू से मिलने के लिए। वो सभी माफियाओं को डील के लिए मना लेता है, पर एक आखिरी बचा होता है सीजन 3। दूसरी तरफ DGP इंस्पेक्टर रिपोप पे सारे आरोप लगा के उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। अब आगे हुए गाइज, आप वीडियो को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं 50,000 लाइक्स का, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। क्या बात है बाबू मोसाई, इतने साल ईमानदारी से नौकरी की और आज ये इनाम मिला मुझे, सस्पेंड कर दिया गया मैं। कोई ना बाबू मोसाई, अब ये लोग मेरी दूसरी साइड देखेंगे जिसे मैं खुद भी डरता हूँ। पता नहीं आगे मैं क्या करूँगा। देख आदम, तू स्मार्ट है, तूने सारे माफियाओं को एक कर लिया, पर तेरा बॉस कमांडर वो स्मार्ट नहीं है। छोटी सी बात पे उसने मेरे साथ गैंग वॉर शुरू कर दी थी। अबे बंटी, तू पहले नहीं बता सकता था इनके बीच में ये सब चल रहा है? अबे हमने तो बताया ही था, ही ना ही मानेगा, तुमका आना था यहाँ। समझ गए ना तुम लोग, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता हूँ। वैसे हुआ क्या था ये तो बता ही सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ, मैंने डाकू का कुछ माल मेरे ही गोडाउन पे रखा था। टॉयलेट माफियाओं को पुलिस से ज्यादा इज्जत मिलती है, तो अब मैं भी बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया बनूंगा बाबू मोसाई। आदम डाकू ने आदमपुर छोड़ दिया है और उसके माल की बहुत डिमांड है, इसका फायदा मैं उठाऊंगा। तो ये बात है तकरीबन 2 साल पुरानी, जब कमांडर लॉस सैंटोस में ही धंधा करता था। कमांडर, मैं आपके पास से कितने सालों से माल ले रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। वो है मेरा दाम फिक्स होता है, डिस्काउंट नहीं मिलता, समझ गया? अरे समझने की कोशिश कीजिए, मेरा नुकसान हो रहा है, मार्केट में लोग आपसे भी कम दाम में कमोड बेचते हैं, वरना मुझे दूसरा डीलर ढूंढना पड़ेगा। पर मेरा माल सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है, और अब मैं भी देखता हूँ कौन सा डीलर तुझे माल देता है, तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। वह ठीक है कमांडर, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा तो ये मैटर थी, पर इसमें आपका क्या लेना देना? लेना देना तो है, आगे सुनो बताता हूँ। हाँ वही बता, क्या हुआ, मेरी जरूरत पड़ी ना, नहीं मिलाना माल कहीं और से। अरे कमांडर, आपने रॉकी को बहुत हल्के में ले लिया शायद, मेरे पास बहुत ही ज्यादा माल है और वो भी सस्ते दाम में। ओए क्या बकवास कर रहा है तू, कोई तुझे माल दे ही नहीं सकता, समझा? नहीं कमांडर, झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे डीलर मिल चुका है और वो आगे भी मुझे माल देता रहेगा। चलो रखता हूँ, मैं उस साले को ढूंढ के रहूंगा जिसने तुझे माल दिया है, खत्म कर दूंगा उसे। समझ गया, मतलब तुमने ही रॉकी को माल दिया था? हाँ दिया था, पर मुझे पता नहीं वो रॉकी है। मतलब कुछ समझा नहीं मैं। मतलब वो रॉकी मेरे पास अपने गलत डॉक्यूमेंट्स लेकर आया, उसने अपनी गलत पहचान बताई, तो मैंने उसे माल दे दिया। कमांडर को मैंने पूरी बात समझाई, पर वो माना नहीं। हाँ कमांडर थोड़ा अड़ियल है। भाई तू झूठ बोल रहा है सीजन 3, तू पहले से ही मेरे सप्लायर छीनना चाहता था। नहीं कमांडर, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। झूठ क्यों बोल रहा है, रॉकी को माल तो तूने ही दिया है। हाँ कमांडर, पर बताया तो सही, वो गलत पहचान देके मेरे से माल ले गया, मुझे नहीं पता था वो रॉकी है। भाई झूठ मत बोल, तू बस उसे माल देना चाहता था ताकि मेरा मार्केट में नाम खराब हो। तुझ जैसे हरामियों को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ मैं। देखिए कमांडर, आपकी इज्जत करता हूँ, इसका ये फायदा मत उठाइए, दबदबा तो मेरा भी है मार्केट में। आजकल के बच्चे मुझे धमकी देंगे, साले उठा लूंगा वह। कमांडर आजमा के देख ले, करारा जवाब मिलेगा। अरे हाँ याद आया, कमांडर ने मुझे इस बारे में बताया था, बहुत शर्मिंदा है अपने काम से, तुमसे माफी मांगना चाहते थे। क्या बात कर रहे हो, कमांडर मुझसे माफी मांगना चाहता है? हाँ उन्होंने अपनी गलती मान ली, इसीलिए माफी मांगना चाहते हैं। मतलब कमांडर अब बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ सही कहा तुमने, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा हमारी योजना के बारे में? हाँ अगर कमांडर माफी मांग लेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। चलो बढ़िया है, रात को मीटिंग में आ जाना, सभी लोग आने वाले हैं, आगे वहाँ पे बात करेंगे हम। अबे ये झूठ का है बोला बे, कमांडर इसे माफी नहीं मांगेगा, अगर ये दिख गया तो मार देगा इसे।
अबे ये इंस्पेक्टर इधर काई को आया रे? पता नहीं क्यों पर ये आपसे मिलना चाहता था, इसीलिए बुला लिया। इसके पास एक ऑफर है। हाँ रंगा, ऐसी ऑफर है जिससे तुम ठुकरा नहीं पाओगे। ऐसी तो क्या चीज है रे तेरे पास इंस्पेक्टर? मेरे पास है आर्डम डाकू का माल, जो फिलहाल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। क्या फेंक रहा है? आर्डम डाकू ही नहीं है तो उसका माल कहाँ से होगा रे? मैंने आर्डम डाकू के ऑर्डर पे रेयर की थी और उसका माल मेरे पास ही पड़ा है, उसे मैंने जब्त कर लिया था। तो अब यही माल मैं बेचना चाहता हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। नहीं इंस्पेक्टर, ऑफर तो बढ़िया है पर हम पुलिस वालों के साथ काम नहीं करते। नहीं, अब मैं पुलिस वाला नहीं रहा, मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। साले तूने हमारे साथ बहुत गलत किया था, हमारे अड्डों पे रेड करके और हमारे आदमी लोग को पीट के। अब समय आ चुका है इसका बदला लेने का, क्या बोलते हो भाई लोग? सही कहा रंगा भैया, मुझे भी बहुत पीटा था इसने। और ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं, और वैसे भी मैंने बहुत गलत किया, मैं शर्मिंदा हूँ, माफ कर दो मुझे। यहाँ माफी नहीं मिलती रे, यहाँ बदले का रिवाज है इंस्पेक्टर, यहाँ बदला लिया जाता है। बहुत सही, और मार साले को। अब ये इंस्पेक्टर नहीं है हमारा, कुछ नहीं बिगाड़ लेगा साला। ये बहुत गलत किया रंगा, मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया था, तूने दुश्मनी कर ली। अब तू इंस्पेक्टर नहीं है मतलब हमारे कोई काम का नहीं है, चल फुट ले यहाँ से वरना बहुत मारेंगे। अबे सुन आडम, कमांडर आ गए हैं, जा उनसे बात कर ले वरना बखेड़ा हो जाएगा। हाँ उन्हें बताना पड़ेगा सीजन 3 हमारे साथ है, और वो माफी वाली बात भी करनी पड़ेगी वरना हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ओए आडम, मुझे पहले लगा ये बेवकूफी है, पर तूने सच में सारे माफियाओं को एक कर ही दिया। हाँ कमांडर, सारे एक हो जाएंगे, पर एक छोटी सी दिक्कत है। हाँ ओए बता क्या दिक्कत है? अल्बर्टो ने कहा था उसे सारे माफिया चाहिए इस योजना में, तभी वो काम करेगा हमारे साथ, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी सीजन 3 को इसमें शामिल करना पड़ा। ओए आडम, उस कमीने को हमारे साथ क्यों लिया, उसकी कोई औकात नहीं है। लेना पड़ा कमांडर, उसके बिना दूसरे भी नहीं आते, पर आप सबके किंग है, वो आपके लिए काम करेंगे सब, ये तो बढ़िया है ना, बस आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ओए क्या बकवास है ये, मैं उस कमीने से कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा। कमांडर हमारी पूरी योजना बिगड़ जाएगी, और सोचिए ना आप डॉन है, आपके नीचे काम करेंगे वो सब, मान जाइए। ठीक है चल, कोई बात नहीं। साला तो मजा ही चाह गया, उस इंस्पेक्टर हिपॉप से बदला जो ले लिया अपन ने। सही बात है बॉस, मैंने भी सारा गुस्सा उतार दिया, बहुत मारा साले को, कलेजे को ठंडक मिल गई। अबे ये क्या, ये साला इंस्पेक्टर तो पीछे पड़ गया, फिर से आ गया साला, शायद इसको फिर से मार खाना है। अबे सुन, अब तू पुलिस वाला नहीं है समझा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला जा यहाँ से। हाँ अच्छा है कि मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, इंस्पेक्टर होता तो तुम्हें अरेस्ट कर लेता, पर अब से मुझे किसी को ऊपर जवाब नहीं देना पड़ेगा, अब से मैं हूँ माफिया हिपॉप। वही स्वागत है आप सब माफिया का, आप सब आए मुझे बहुत अच्छा लगा। वही हमें भी अच्छा लगा जी, आपस की दुश्मनी मिटा के हम एक हो गए। आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज के बाद कमोड मार्केट में सिर्फ हमारा ही दबदबा होगा, किसी में भी हमारे से उलझने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि हम सब चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए आप सभी लोग साथ हैं, साथ मिलकर काम करेंगे? अरे बाबा हम सब तो तुम्हारे साथ ही चाहिए। तो दोस्तों एक जाम उस शख्स के नाम जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। ओए ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटी सी बात है। दोस्तों एक जाम आडम के नाम, इसकी वजह से ही ये सब हो पाया है, इसने ये सब कर दिखाया है, जिसे मैं अपना लीडर मानूंगा। हाँ सही कहा जी, डाकू के नाम जी। अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं, ये सब तो कमांडर की वजह से हुआ है, एक जाम कमांडर के नाम हो जाए। ओए दोस्तों योजना में एक छोटी सी चीज बदलना चाहता हूँ, ये हराम ज्यादा सीजन 3 हमारे साथ काम नहीं करेगा। कमांडर नहीं ऐसा मत कीजिए। ओए सुनो, मैं धोखेबाज लोगों के साथ काम नहीं करता, और ये सीजन 3 एक नंबर का कमीना है। ओए सुन चल अब निकल यहाँ से, आइंदा से अपनी शक्ल मत दिखाना समझा। कहा था ना आडम तू समझदार है, पर तेरा बॉस कमांडर नहीं।
अरे बाबा, अगर सीजन 3 इस योजना में नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे रे। सही कहा, मैं भी काम नहीं कर सकता सीजन 3 के बिना। आओ ऐ तो निकल जाओ यहाँ से, दो कोरी के लोग, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे। कमांडर, ये क्या किया आपने? मैंने इतनी मुश्किल से सबको इस योजना के लिए मनाया था। साले डाकू, तू मेरी गद्दी छीनना चाहता था? नहीं कमांडर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बॉस तो आप ही है। नहीं ओए, अब बहुत हो गया तेरा, चल अपना सामान बांध ले, हम फिर से आदमपुर जा रहे हैं। कमांडर, वहाँ पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू नहीं आया तो मैं तेरे सारे क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ूंगा ओए। अरे आदम, तू सब छोड़ के काहे जा रहा है? हमने मुश्किल से सबको मनाया था। मेरी मजबूरी है बंटी, कमांडर ने क्रिमिनल्स के पीछे अपने आदमी लगा रखे, अगर मैं नहीं गया तो क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ेंगे वो। देख आदम, हथियार तैयार है, तू बता अभी कमांडर को निपटा देते हैं। ये क्या बोल रहा है बंटी, तू तो बता रहा था तू 5 साल का था तब से कमांडर के साथ है। हाँ, क्योंकि उस साले ने मेरे माँ बाप को मार दिया था और मुझे उठा लिया था। नहीं बंटी, मेरे लिए तू खतरा मत मोल ले, बस एक छोटा सा एहसान कर दे। हाँ बता आदम, क्या करना है तेरे लिए? मैं आदमपुर चला जाऊंगा, फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बस तू क्रिमिनल्स का ध्यान रखना। हाँ चिंता मत कर आदम, हम सब सेफ रहेंगे मेरे भाई। चल अलविदा बंटी। ओए जल्दी कर ओए आदम, लेट हो रहा है। कमांडर, तो अब क्या करने वाले हो? मुझे फिर से आदमपुर में DGP के हवाले करने वाले हो? ओए देख, मैंने ही तुझे आजाद किया था तो अब मैं तेरे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, समझा? कमांडर, अगर मैं नहीं रहा तो इसमें आपका ही नुकसान है। ओए नुकसान सह लूंगा, बस मुझे दिक्कत है मेरी गद्दी जाने की और तू लोमड़ी है। ठीक है कमांडर, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, बस क्रिमिनल्स को कुछ मत करना। हाँ ठीक है ओए, क्रिमिनल्स को कुछ नहीं करूँगा। ए गाड़ी रोको, चलो साइड में लगाओ। ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आए हैं? और सुनो, 2-3 हजार दो और भगाओ इन्हें यहाँ से। चलो रे, सब कार के बाहर निकलो। वही, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, बता इंस्पेक्टर कितना चाहिए? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा सब लोग बाहर निकलो वरना मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे बताना ही पड़ेगा मैं कौन हूँ। वही ओए, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे दोस्त ने बोला कि योजना तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं हो पाएगी। ओए ये तुम गलत कर रहे हो, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। कमांडर, मुझे लगा था तू बदल गया है, इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब नहीं छोड़ूंगा। हमारे पीछे आदमी लगाए थे ना, अब उनका जो हार है वही तुम्हारा होगा। शुक्रिया, आप लोगों ने आज मेरी जान बचा ली। हमें तो आना ही था, तुम्हारे जैसे समझदार आदमी की हमें जरूरत है। अब एक आखिरी काम कर लेता हूँ कमांडर, अलविदा।